आसिफ अली मालेगांव से और मालेगांव शहर में बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन 96 जन्मदिन पर यहाँ पर उनकी जो पार्टी को फॉलो करते हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, उन लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। आइए, मालेगांव शहर में मुसलमान लोग जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी में ज्वाइन है, उन लोगों ने उनके 96 जन्मदिन पर क्या कदम उठाया है, क्या कदम उठाया आप लोगों ने? हमने जो आपका नाम क्या है? फिरोज शाह। ये फिरोज शाह नाम है भाई का। हम जो मालेगांव शहर के अंदर हमारे अंसारी भाई को पद मिला है, महिला संगठन अंदर बनाया गया है, तो उनने ये 96वां जन्मदिन मनाने का एक प्रोग्राम यहाँ रखा है, जो रक्तदान प्रोग्राम कराए। तो रक्तदान प्रोग्राम ऐसा कराए कि मुसलमान जितने भी ग्रुप है वो ग्रुप वाले यहाँ पे आकर बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन पे अपना अपना रक्त दे रहे हैं हंसी खुशी से। तो हम ऐसा उनका जन्मदिन मना रहे, ये हमारे महिला संगठन के सदर है। बोलो, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम लुकमान अंसारी है। लुकमान अंसारी साहब, मैं जो है नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ का सदर हूँ, मालेगांव एक्सप्रेस और दापुर के जिला के लीडर हूँ। और अभी हाल ही एक महीना पहले मुझे एकनाथ शिंदे साहिब ने जो है उसको मालेगांव शहर अल्पसंख्या विभाग ने मेरे को सदर नामजद किया है। और हमारे जो नेता हैं यहाँ के दादा साहेब उसे और रामा मिस्त्री साहब जो हमारे शहर प्रमुख हैं, इनके नेतृत्व में मैंने बाला साहेब ठाकरे ब्लड डोनर विभाग की जानिब से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज का जो ये कार्यक्रम है तो माननीय बाला साहेब ठाकरे का 96वां जन्मदिन है। 96 साल पहले सन 1926 में बाला साहेब ठाकरे ऊना के एक छोटे से देहात में पैदा हुए थे और वहीं से वो परवरिश पाकर तालीम हासिल करने के बाद वो मुंबई आए। मुंबई में वो खुद एक पत्रकार थे और वो ऐसे पत्रकार थे कि जब वो अगर कोई बात बोलते थे तो पूरे हिंदुस्तान का यानी हिंदुस्तान की जो कुर्सी है वो भी हिल जाती थी। क्यों? कि बाला साहेब ठाकरे एक उसूल पसंद इंसान थे और वही उनका जो आदर्श है वही आदर्शों पर हम और हमारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर चल रहे हैं। और आज जो है ये 96 दिन के जो प्रोग्राम है उनके रक्तदान का जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम जो शिविर का जो कार्यक्रम लिया है, हम ये मालेगांव शहर से एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर मुस्लिम औरतें और मुस्लिम जो महिला है पुरुष वगैरह है सब ये लोग सब लोग यहाँ रक्तदान दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है और आज मालेगांव शहर में सुसेना को एक अवलियत मिल रही है, लोग सुसेना के साथ में जुड़ रहे हैं और लोगों को मालेगांव शहर की आवाम को लगता है कि मालेगांव शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ सुसेना ही कर सकती है। मोहम्मद आसिम नाम सलीम खान असलम खान रईस से मजीद मंसूरी साहब से भी आपका परिचय कराते हैं और आइए इनके भी ख्यालात देखते हैं। मालेगांव शहर में ये लोग क्या करना चाहते हैं शिवसेना पार्टी के साथ, मालेगांव की क्या मदद करना चाहते हैं? आज यहाँ ठिकाणी माननीय बाबासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्ताने आमचे लुकमान भाई अंसारी अल्पसंख्याचे माध्यमात यांनी रक्तदान शिबिर भरवले आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या जयंतीच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि मी जास्तना म्हणताना या मालेगाव शहराच्या विकासा बघून म्हणून मालेगाव शहराचे संपूर्ण मुस्लिम समाज मुस्लिम धर्माचे लोक महिला पण पुढे आलेले रक्तदान शिबिरासाठी। थँक्यू, शुक्रिया। दादा विशे साहब रामा मिस्त्री साहब और उनके रुपये यहाँ पर आ गए हैं। दूर दूर उधर जा। की बहुत ही बेहतरीन नमूना हम देख सकते हैं। 100 रुपये से लेके 1 लाख 10 लाख रुपए तक कोई भी काम हो वो जीवन का ही में काम करना है। काम करने के लिए बड़े माहिर हैं हमारे शकील अंसारी साहब, कोई जरूरत हो तो वो हमारे संपर्क कर सकता है। चले सदर है और हमारे एडवोकेट संजय दुसाने साहब जो मालेगांव तालुका शहर मालेगांव तालुके के सूचना के प्रेसिडेंट है आज जो हमारे साथ हमारे बीच में हाजिर हो चुके हैं और प्रोग्राम की कार्रवाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं मालेगांव शहर सूचना की जानिब से आप लोगों का
सदारत के लिए मैं उनका नाम इनामी निगरानी पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मेरा कोई साथी उसकी पुरजोर अल्फाज में तायद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी हमारे उस्मान अंसारी साहब ने हमारे आज के जो प्रोग्राम है, जो हमारे सूचना सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे की जयंती के ऊपर जो रक्तदान शिविर का जो प्रोग्राम रखा है, इसकी सदारत के लिए हमारे मालेगांव शहर के शहर प्रमुख रामबाबू मिस्त्री का नाम पेश किया गया है। मैं मालेगांव शहर के हमारे जो मंत्री हैं माननीय दादा साहेब भूसे रामा मिस्त्री, इन दोनों के तवस्सुत से आज आसिफ नेशनल वाला और लुकमान अंसारी को अल्पसंख्या का सदर मुझको मालेगांव का बनाया गया और आसिफ नेशनल वालों को महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों ने हम लोगों के कांधे पर रखी है। इनको लगा कि भाई शहर में ये लोग कुछ कर सकते हैं और जो बाला साहेब ठाकरे ने जो नियम बनाया है, हर पार्टी अपने अपने तौर से अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन ये सूचना एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ जो छोटे वर्कर हैं, जो गरीब वर्कर हैं, जो लोगों को लेकर चलने की सलाहियत जिन लोगों के अंदर है, ऐसे तमाम लोगों को ये पार्टी हमेशा आगे करती है, चाहे उनके सामने एक करोड़ पैसे वाला अरब अरब पति हो चाहे खरब पति हो। ये वो नहीं हुआ तो हमारे तमाम सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये उम्मीद और ये हौसला लेके आज हम लोग पार्टी के अंदर प्रवेश किए हैं और जो तबके जो उम्मीदें हम लोगों के ऊपर हमारे वरिष्ठ लोगों को लगा है, हम उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। मुकद्दर तेरी तलाश में है, नई सदी का मुकद्दर तेरी तलाश में है, भटकने वाले तेरा घर तेरी तलाश में है, और फजूल फिरता है तश्ना लबी लिए दर्दर, पलट के देख समुंदर तेरी तलाश में है। और एक शेर में रामा मिस्त्री साहब को देना चाहता हूँ कि तुझे खबर नहीं आईना बेचने वाले, तुझे खबर नहीं आईना बेचने वाले, हसद के हाथ का पत्थर तेरी तलाश में है। आइए तालियों की गूंज में रामा मिस्त्री का इस्तकबाल करें कि मुझको किसी भी समत के पत्थर का डर नहीं, सीधी सी बात है मेरा शीशे का घर नहीं। एक मरतब और ताली बजा जा। आज सॉरी 23 जनवरी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पे हमारे अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष लुकमान भाई अंसारी, इन्होंने अपने यहाँ ब्लड डोनर कैंप लगाया है। इस मौके पे आए हुए मेरे साथ में हमारे शिवसेना के जिला के नायब सदर प्रमोद जी शुक्ला साहब, मालेगांव तालुका के सदर हमारे मित्र संजय जी दुसाने साहब, मालेगांव म्युनिसिपल काउंसिल के नायब डिप्टी नायब हमारे नीले जी आहिर साहब, शिवसेना के कार्पोरेटर राजेश जी गंगावने साहब, हमारे यहाँ जो शायरी कर रहे हमारे शायरी साहब आजाद जी अनवर साहब, हमारे साथी साथ कंधे पे कंधे मिलाकर काम करने वाले मजीद भाई मंसूरी साहब, और एक सवेरे सवेरे 7 बजे जो कार्यक्रम हुआ दादा भूसे के हाथों से, उस कार्यक्रम में मौजूद रहे ऐसे शख्सियत डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब, अंजुम अंसारी साहब सामने बैठे हुए, मेरी माँ बहने साथी और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की माफी चाहता हूँ कि हमें आने में बहुत देर हुई, हम लेट आए, इसके लिए सबसे पहले माफी चाहता हूँ। साथियों दोस्तों, 23 जनवरी का जो विषय होता है वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन, और इस मौके पे पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम के खातिर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं और उनकी
जरिए अपने मालेगांव शहर में अभी तक हम कम से कम 15 कार्यक्रम करके आए थे और ये सुना हुआ कार्यक्रम है। उसके बाद बागे महमूद में कार्यक्रम है और बिहार में भी बहुत सारे कार्यक्रम है, इसीलिए हम लेट आए। बैराज कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आई ऐसा बताया है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिशियन बात करूंगा नहीं, शिवसेना के सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी का जब ओपनिंग किया था 19 जून 1966 में, उस वक्त बालासाहेब ठाकरे ने एक बात बताया था कि हम 80% समाज सेवा करेंगे और 20% राजकारण करेंगे, और इस दुनिया पे, इस धरती पे आज तक के वही कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। 80% जो समाज सेवा है उसमें लोगों की सेवा करो, आवाम की सेवा करो, लोगों के मसले मसाइल को हल करो, इसका मतलब ये होता है। फिर वक्त आने पे किसी को खून देना हो, चाहे वो प्रांत डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हो या पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यक्रम हो, जो भी कुछ मसले हैं आवाम के, वो मसले को हल करने का काम शिवसेना करती है, और इसलिए 80% हम समाज सेवा करते हैं। और रहा 20% का राजकारण का, जैसे कि अभी मेरे वार्ड के शिवसेना के कार्पोरेटर है राजेश जी गंगाव ने, ये डिप्टी मेयर है नीलेश जी आहिर साहब, हम भी 10-10 साल सुन के आए, हम भी नगर सेवक हैं, तो लोगों की सेवा करने के लिए हमें 20% राजकारण करना पड़ता है। आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, वो भी स्टेज पे थे, हमने एक जॉगिंग ट्रैक का वहां उद्घाटन किया दादा साहब भूसे की आंखों से, और वहां से जो शुरुआत हुई तो यहां तक के अभी हम आए हैं। साथियों दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि शिवसेना पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, शिवसेना कोई मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं है। बालासाहेब ठाकरे ने अक्सर ये बात बताया है कि मैं किसी को जात नहीं पूछूंगा, लेकिन हर जात को पेट दिया है, इस पेट इसके पेट यही मेरी जात है। फिर हमारे 1995 में महाराष्ट्र असेंबली में जो हुकूमत थी, वो हुकूमत में कामगार मिनिस्टर कौन थे आपको मालूम है? साबिर भाई शेख करके जो थे वो कामगार मिनिस्टर थे, और नासिक जिला के जो जिला प्रमुख थे वो मनमाड़ के अल्ताफ खान साहब थे। तो मेरे को बताओ हम कौन सी जातिवादी बना कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के वास्ते लोगों को फिरका परस्ता, शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है वगैरह वगैरह बात करके अपना दिल बहलाने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों दोस्तों, मैं इस देश से सबका आवाज दूंगा कि आप इसके आगे ऐसे कोई पार्टी को बहकावे में मत आओ और शिवसेना से जुड़ते रहो, शिवसेना का काम करते रहो। मैं तो यूं ही चला जा रहा था, जाने मंजिल की ओर, मैं तो यूं ही चला जा रहा था जाने मंजिल की ओर, रास्ते में लोग मिलते गए और कारवा बनते गए। साथियों दोस्तों, ये कारवा जो बना है, ये कारवा हमें कायम करना है, एक मुकाम मुकाम पे लेके जाने का है। इसीलिए जो हमने लुकमान भाई अंसारी, आसिफ भाई नेशनल वाले, इनको हमने माइनॉरिटी सेल मतलब अल्पसंख्यक विभाग का इस मालेगांव शहर के अध्यक्ष से बनाया है, और इनके साथ में रह करके आप शिवसेना के साथ साथ जुड़ने का काम करो। अभी हमारे भाई साहब बैठे हैं, वो दवारी में उनका एक प्रोग्राम था, मेरे को वो मिले, वो बताया कि हमारा दवारी में प्रोग्राम है। ज्यादा से ज्यादा तादाद से शिवसेना का साथ दीजिए, यही मेरा कहना है। साथियों दोस्तों, बहुत सारे अपने मालेगांव शहर में गंदगी फैली हुई है,
लोग बताते हैं कि नदी के उस पार कैसा काम कर रहा, तो भाई तुमको नदी के इस पार कौन किसने हाथ रखा तुम्हारा, तुम भी करो ना अपने काम। क्या तुम्हारा कोई हाथ पकड़ के रखा है कि भाई मत ये काम कर, तुमको हमने सच दिया है ना, हमने अभी साथ दिया है, मेयर बिठाया है, करो ना हमारे मेयर के, हमारे डिप्टी मेयर के साथ आप भी काम करो। अच्छा, कौन नहीं बोल रहा? इसीलिए अभी कोई किसी पे कीचड़ उचड़ निगम है, मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं कर रहा है, फिर भी मैं घर से निकला था दिल में कई अरमान लेके, मैं घर से निकला था दिल में कई अरमान लेके, बाहर देखा तो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आया। चलते चलते एक हड्डी को ठोकर लगी, उस हड्डी के कुछ बयान थे, हे मुसाफिर संभल कर चल, एक जमाने में हम भी इंसान थे। इसीलिए साथी दोस्तों, तुम हम इंसान हैं, और कुरान शरीफ में यह हवाला दिया गया है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को काम आना चाहिए, उसको इंसानियत बोली जाती है। और जिस वतन में आप रहते हैं उस वतन का बनते रहो, वक्त आने पे उस वतन के लिए मर मिट जाओ, ऐसा तक कुरान शरीफ में बताया है। इसीलिए साथियों दोस्तों, लोग बहने गाने का बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हमें किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। दादा साहब मुझे एक डेवलपमेंट की और मालेगांव शहर को लेना लेकर जाना चाहते हैं। आज लुकमान भाई अंसारी ने बताया कि मालेगांव शहर में क्या क्या हो रहा है। आज मालेगांव शहर में 5 हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं अपन, उसका भूमि पूजन हो गया है, काम की शुरुआत हो गई है। एक अली अकबर दवाखाना है, वहाँ कम से कम 17 करोड़ रुपए की लागत लगा के 3 मंजिल ऐसा एक अच्छी इमारत बनने जा रही है, जाके मेरी माँ बहन और बाल बच्चे बूढ़े सब इलाज वहाँ हो सकता है, ऐसा एक अच्छा सुंदर सा अस्पताल वहाँ बनने जा रहा है। 14 करोड़ रुपया खर्चा करके वाडिया दवाखाना बनने जा रहा है, वो भी 3 मंजिल इमारत है, अच्छी इमारत बनने जा रही है। उसके बाद रमजानपुरा मालदा रमजानपुरा, वहाँ भी 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत लगा करके एक अच्छा सा अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से एक अच्छा सा सुंदर अस्पताल बनने जा रहा है। साथ ही साथ मौसमपुर पे 33 करोड़ 77 लाख रुपया लगाकर सिर्फ मेरी माँ बहन और बच्चों का स्पेशल हॉस्पिटल वहाँ बनने जा रहा है, उसकी काम की शुरुआत हो चुकी है। क्या में दवाखाना बन रहा है, 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत लगा के वो काम होने जा रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इतना सारा रुपया क्या कॉर्पोरेशन में है? ये सिर्फ महाराष्ट्र की हुकूमत के जो वजीर आला है, सीएम साहब जो है उद्धव ठाकरे साहब, इनकी बदौलत है, ऐसा मैं छाती ठोक कर कहना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम है, आज अगर तुम देखेंगे ये कुसुम्बा रोड जो बना है, तुम अगर यहाँ से जाएंगे कुसुम्बा तक तुम्हारे पेट पे का पानी लेगा ने, ऐसा सुंदर सा काम दादा साहब से निकला है। सोएगांव से लेके सटाने तक अच्छा काम बन रहा है, तुम देखो वहाँ जाके सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनने जा रहा है। अभी यहाँ से भी जो फंड कम गिरा ये दादा भोले लाके दिया है, इसीलिए दादा साहब इस मालेगांव को एक डेवलप बनाना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं। इसीलिए साथियों दोस्तों, शिवसेना का साथ दीजिए। बाकी बहुत सारी बातें आएंगी, बताते रहेंगे। आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, आज जो है ब्लड डोनर का या एक शिविर हुआ है, और जाते जाते एक बात बोलूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपना मालेगांव शहर में शायद अपना त्योहार था शबे बारात, उस शबे बारात में उस दिन कौन सी काली रात थी ये तो अल्लाह मियां जाने, हम तो कुछ जानते नहीं, लेकिन उस वक्त साकली बम ब्लास्ट हुए, जगह जगह पे बम ब्लास्ट हुए थे, और वहां से हमारे मुस्लिम भाई
नमाज अदा कर रहे थे और उस वक्त बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ कई लोग शहीद हुए और कई लोग बेचारे गंभीर जख्मी हुए। उस वक्त सब दवाखाने बंद थे, ये मुस्लिम भाइयों के डॉक्टर मुस्लिम लोगों के कई दवाखाने बंद थे। लोगों ने वहां से ठेला गाड़ी पर उठा उठा कर मरीजों को नदी के उस साइड जितने भी दवाखाने वहां लेकर आए। तब दादा साहब उसे खड़े हुए, हम सब उनके साथ में थे और हमने सभी तीनों चार हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया। जैसे कि अभी हम डिप्टी मेयर ने बताया, उस वक्त खून की जरूरत थी, दादा साहब उसे ने नंबर लगाया, सबसे पहले मेरा खून लो। उसके बाद हमने शुरुआत की, कहते कहते 365 बोतल हमने एक साथ जमा कर दी और सब मेरे मुस्लिम भाइयों को वो खून दिया। पहले लोग बताते हैं ताना और बाना, ये मालेगांव की हमारी पहचान है, मतलब ताना बाना बोले तो हिंदू मुसलमान। अभी वो ताना बाना छोड़ दो, अभी तो तुम हम भाई हो, हमारा खून तुम्हारे में आ चुका है, तुम हमारे भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए। इसीलिए साथियों दोस्तों, अभी कोई जातिवादी का विषय नहीं रहा है, आज सिर्फ विकास काम कर रहे हैं अपने को, और इसी बात को लेकर के मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। साथ ही साथ इतना ही कहूंगा कि ये जो खून का जो काम है, ये खून हिंदुओं का भी और मुसलमान का भी, किसी का खून अगर निकाल के देखेंगे खून का कलर सिर्फ एक ही रहता है, या मुसलमान का खून हरा है और हिंदू का भगवा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों और साथियों, एक ही खून है और वो खून सबके लिए काम आता है। इसीलिए आप सब दिल के अंदर जो भी कुछ तिल बराबर की कोई शंका होगी वो निकाल दीजिए, अल्लाह अल्लाह सुन रहा है। इसीलिए झूठ बात शिवसेना ने कभी की नहीं है, आश्वासन देती नहीं शिवसेना, शिवसेना वचन देती है, जो हम काम बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, और करके देने वाले में से एक आदमी है जिसका नाम है दादा साहब, उसे दादा साहब। और इसलिए साथी दोस्तों, आगे भी प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लुकमान भाई, ऐसी तेजी से काम करते रहो, हम पूरे पदाधिकारी की ओर से हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप एक अच्छा काम लेकर के मालेगांव शहर में तुम उतरे हुए हैं, मालेगांव शहर का एक अच्छा नाम कराओ। इतना ही बोल के मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।